बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 1,00,000 रुपए का इनामी बदमाश मारा गया। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान कपिल के रूप में हुई है और ये मेरठ के योगेश भदौड़ा गैंग का शार्प शूटर था। कपिल के खिलाफ करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और अपहरण जैसे संगीन मामले भी हैं। तो 35 मामले जिस कपिल नाम के अपराधी पर दर्ज थे उसे ढेर कर दिया गया है। और ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये मुठभेड़ हुई जहां पर गैंगस्टर को 1,00,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया गया। अभियुक्त वहाँ थाना ठेकड़ा का बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। इसके विरुद्ध 35 मुकदमे दर्ज हैं। एडीजी मेरठ जोन महोदय द्वारा इस पर गिरफ्तारी है। 1,00,000 रुपए का इनाम रखा गया था। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर की जा रही है। उधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंच गई। गुड़गांव के सभी दमकल केंद्रों से गाड़ियां बुलाई गई मौके पे। कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। हालांकि फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर महाराष्ट्र के सोलापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पटाखा बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। वहां काम कर रहे लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया और इस दौरान उस फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके से आसपास का इलाका थर्रा गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती नजर आई, जबकि उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तुरंत मामले की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद वहां पुलिस के कई आला अधिकारी दमकल की कई गाड़ियों के साथ पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने फौरन आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी जिसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पूरी ताकत के साथ जुट गई और धधकती लपटों पर पानी की बौछार करने लगी, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि जैसे ही उस पर पानी की बौछार पड़ती आग की लपटें और तेज हो जाती। हालांकि दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश करते रहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पटाखे की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वहां काम कर रही 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय करीब 40 लोग फैक्ट्री में मौजूद थे। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका है कि फैक्ट्री में आग कैसे लगी थी।